जय हिंद फ्रेंड्स, एम्पावर इंडिया डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत करते हैं। और जैसे कि हम रोज़ पढ़ाते थे अभी इंडियन आर्मी और टेरिटोरियल आर्मी भर्ती के लिए जो मैथ और साइंस या जीके हम पढ़ाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उसका स्टार्ट करते हैं। और हम तीन पार्ट पढ़ा दिया था साइंस का, ये चौथा पार्ट है। और चलो स्टार्ट करते हैं इसके 53 नंबर क्वेश्चन। पहले 52 तक क्वेश्चन हो गया था सॉल्व, अभी 53 से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो 53 क्वेश्चन था। तो ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी के जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन हम करेंगे। ओके, इसका क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ जी इज 0.8 डैश। मतलब क्वेश्चन का मतलब दिया है जो ग्रेविटेशन फोर्स हमारा गुरुत्वाकर्षण जो पृथ्वी का पड़ता है हर वस्तु के ऊपर, है ना, तो जो वो जी का वैल्यू होता है, जो गुरुत्वाकर्षण को जी बोलते हैं, तो उस गुरुत्वाकर्षण जी का वैल्यू हमारा जो धरती के सरफेस पे या पोल पे या जो सेंटर बोलते हैं, सेंटर कहाँ पे जीरो होता है, सबसे कम होता है। ओके, मतलब हमारा क्वेश्चन ये दिया है, ये होता है हमारा धरती, ये धरती का जो इसको बोलते हैं, ये बोलते हैं सेंटर। हमेशा याद रखना, जी का जो गुरुत्वाकर्षण है, जी हमेशा कम होता है यहाँ पे सेंटर पे, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं पोल। ओके, यहाँ पे जी सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम पोल पे यहाँ पे ज़्यादा होगा और सेंटर पे हमेशा कम होगा। और एक बात याद रखना, हम जैसे पृथ्वी से ऊपर जाएंगे, जी कम होते जाएगा, और पृथ्वी के अंदर गहराई में जाएंगे, वो भी कम होता जाएगा, और सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगा, ये सेंटर, जब ऊपर रहेंगे पृथ्वी का मतलब पोल पे, तो सेंटर वाला हिस्सा पोल पे रहेंगे हम, वहाँ पे जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन था हमारा कि बोला था जी का वैल्यू कम कहाँ है, तो जी का वैल्यू जीरो कहाँ है, तो जीरो सेंटर में ही है, और मैक्सिमम कहाँ है, सरफेस, इसको ऊपर को पोल बोल सकते हैं या सरफेस बोल सकते हैं। सरफेस में जी का वैल्यू ज़्यादा रहता है और सेंटर में जी का वैल्यू सबसे कम रहता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है उसको चुनना है। ओके, तो क्वेश्चन है हमारा द वेट ऑफ बॉडी इज ग्रेटर एट पोल एंड लेस एट इक्वेटर। वो बोल रहा है कि जो हमारा वस्तु पोल पे ज़्यादा रहता है और इक्वेटर या सेंटर पे कम रहता है, ये सही है ना। और द वेट ऑफ ए बॉडी इज ग्रेटर इन प्लेन एंड लेस इन हिल टॉप, ये भी सही है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि आप ज़मीन में खड़े हो तो आपका जो बॉडी का वेट है, गुरुत्वाकर्षण आपका बॉडी के ऊपर टच होता है, लगता है, काम करता है आपका बॉडी के ऊपर, तो जैसे आप पहाड़ी से नीचे हो तो वेट ज़्यादा होगा, और पहाड़ी के टॉप में चले गए वहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा, ये सही बोला है। द वेट ऑफ बॉडी ऑन मून इज लेस देन अर्थ, मतलब चंद्रमा में हमारा बॉडी का वजन कम हो जाता है, कितना कम हो जाता है, 1/6 कम हो जाता है ना। यदि 60 kg धरती पर है, वहाँ पे 6 में डिवाइड कर दो 60 को, तो जितना होगा 10 kg उतना ही होगा हमारा वेट चंद्रमा में। ओके, यहाँ पे समझाता हूँ आपको, ये जो बोला है, ये क्वेश्चन में बोला है, पहला ऑप्शन में बोला है कि धरती का ये पोल पे जी का वैल्यू नहीं बोला है, बोला है बॉडी का वेट, हमारा वेट बा कोई वस्तु का वेट धरती पे कैसे काउंट करते हैं,
हमारा मतलब बॉडी का वेट, कोई वस्तु का वेट दो प्रकार का होता है। एक धरती का गुरुत्वाकर्षण जहाँ पे काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ पे काम करता है वहाँ पे एक वेट रहता है। सपोज उसमें 100 kg वेट रहेगा, और गुरुत्वाकर्षण के बाहर जो वेट होगा हमारा इसमें कुछ कम हो जाएगा, मतलब मान लो 90 हो जाएगा। क्यों? गुरुत्वाकर्षण जहाँ काम करता है वहाँ गुरुत्वाकर्षण और हमारा बॉडी का वेट, मान लो बॉडी का वेट 90 है और धरती के अंदर ये 100 हो जाता है। कैसे? क्योंकि धरती के ऊपर हम जब रहते हैं, खड़ा होते हैं, हमारे ऊपर गुरुत्वाकर्षण काम करता है, इसलिए हमारा बॉडी धरती के ऊपर ज़्यादा हो जाता है। धरती का बाहर जब हम आसमान में चले जाएंगे हमारा बॉडी का वेट कम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में क्या पूछा बोला था, वो जो धरती का पोल पे हमारा बॉडी वेट ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जी का वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए हमारे बॉडी को खींचेगा और हमारा बॉडी के ऊपर ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण हमारा बॉडी के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। कहाँ पे? पोल पे, इसलिए हमारा बॉडी वेट बढ़ जाएगा। और सेंटर में ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण कम होता है, इसलिए हमारा बॉडी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण कम पड़ेगा तो हमारा बॉडी का वेट कम हो जाएगा। ऑप्शन ए का मतलब ए था, ए का मतलब। और इसका और बी का कोई मतलब ये था कि जैसे पहाड़ी के ऊपर हम खड़े हैं, है ना, पहाड़ी के ये पृथ्वी है, पृथ्वी के इसके पहाड़ी के ऊपर हम खड़े हैं, एक नीचे खड़ा है, उसका बॉडी का वेट और गुरुत्वाकर्षण ये सेंटर में काम करता है, सेंटर से धरती का सेंटर से ही काम करता है। ये जितना आपके ऊपर काम करेगा, हम धरती से जितने जितने ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे, हमारा गुरुत्वाकर्षण कम होता जाएगा। इसका मतलब पहाड़ी के ऊपर, हिल के टॉप में, पहाड़ी के ऊपर हमारा गुरुत्वाकर्षण हमारे ऊपर कम पड़ेगा, इसलिए हमारा वजन कम हो जाएगा पहाड़ी के ऊपर, और पहाड़ी से जब नीचे आएंगे हमारा वजन थोड़ा बढ़ेगा। ओके, और ऑप्शन सी में क्या पूछा था उसने, हाँ बोला था मून के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, ये तो बता दिया, चंद्रमा के ऊपर हमारा बॉडी वेट कम हो जाता है दोस्तों, 1/6 कम हो जाता है और धरती में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमारा धरती का गुरुत्वाकर्षण, धरती का गुरुत्वाकर्षण मून पे व चंद्रमा में काम नहीं करता है ना। और इसके बाद द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट, जी का वैल्यू यानी जो ग्रेविटी का वैल्यू, जी का वैल्यू है ना, ज़्यादा कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सेंटर ऑफ अर्थ 100 meter ऑल्टीट्यूड, 100 meter डेप्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ, ये दोस्तों सरफेस ऑफ अर्थ पे होता है। ये क्या पूछा है, मतलब ये इसका क्वेश्चन था, जो गुरुत्वाकर्षण जी बोलते हैं जिसको, ये सेंटर, ये सरफेस मतलब ये सेंटर मान लो, सरफेस में ज़्यादा होता है और यहाँ जो सेंटर है यहाँ पे कम होता है, और हम धरती में 100 meter गहराई में खोद देंगे वहाँ पे भी कम हो जाएगा, और 100 meter ऊपर चढ़ जाएंगे यहाँ पे भी कम हो जाएगा। धरती के अंदर जाओ या ऊपर जाओ गुरुत्वाकर्षण कम होगा, और धरती के सेंटर में रहोगे, इक्वेटर में रहोगे तो जो जी का वैल्यू है गुरुत्वाकर्षण कम होगा, लेकिन सरफेस के ऊपर रहोगे या पोल के ऊपर रहोगे गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा 55 का, सरफेस ऑफ द अर्थ पे जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है। और एक क्वेश्चन है 56, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज डैश इट्स वेट ऑन द अर्थ, मतलब ये क्वेश्चन का मतलब है धरती पे जितना वेट होता है उससे कितना गुना कम वेट चंद्रमा में होता है, कितना, 1/6 है ना। धरती पे 60 kg हो तो आप चंद्रमा में 10 kg हो जाओगे नापने पर। इफ़ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज डबल, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड द अर्थ विल बी, कितना होगा? वो बोला है यदि सूरज और पृथ्वी का दूरी को डबल किया जाए तो जो महाकर्षण शक्ति धरती और सूरज के बीच में जो अट्रैक्शन शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स जो बोलते हैं उसको, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, वो कितना गुना हो जाएगा
ऑप्शन दिया है डबल हो जाएगा या सेम हो जाएगा, बा एक बटा दो हो जाएगा, एक बटा चार हो जाएगा। दोस्तों ये एक बटा चार होगा, कैसे ये देखो, हमारा गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला ये होता है जी इक्वल टू एफ इंटू एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो एम होता है पृथ्वी का वजन, एम टू होता है सूरज का वजन, है ना, और जी होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स, और आर तो होता है, आर होता है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सूरज और धरती के बीच में दूरी। यदि इसको डबल किया जाए, इसको दो किया जाए, दो गुना किया जाए, मतलब इसको क्या हो जाएगा, आर के जगह में कितना दो डालूँगा, आर के जगह में दो रख दिया तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा चार हो जाएगा। तो जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी का वैल्यू एक बटा चार हो जाएगा। ओके, जो वही पूछा है एक बटा चार, इसमें दो, इसमें तीन किया तो कितना हो जाएगा, तीन तीन दूनी तीन तीन की नौ, नौ गुना हो जाएगा, एक बटा नौ गुना हो जाएगा, है ना। तो जितना गुना पूछा है आर के जगह वो डाल दो, उतना गुना हो जाएगा। इसमें पाँच डालेगा तो पच्चीस गुना हो जाएगा, दो डाला तो चार गुना, एक बटा चार गुना हो जाएगा आसमान जो ग्रेविटेशनल शक्ति। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड गेन ए सर्टन हाइट देन फॉल फ्रीली ऑन अर्थ, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट इट। वो बोला है ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड और गेन, एक बॉडी को हम पृथ्वी पृष्ठ से ऊपर फेंक दिया और वो ऊपर कुछ दूरी जाके नीचे आ गया, तो उसमें क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन ए में दिया है टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ असेंट इज मोर दैन द टाइम ऑफ डिसेंट। ये पूछा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है बताओ, मतलब ये बोल रहे ऑप्शन ए में टाइम ऑफ असेंट, जब पृथ्वी पृष्ठ से आपको पत्थर को फेंकते हो वो ज़्यादा समय लेता है, जब नीचे आ जाता है ये कम समय लेता है, ये स्टेटमेंट सही है गलत है। ये दोस्तों पूरा गलत है, क्योंकि पत्थर आप ऊपर फेंको जितना टाइम लेगा, आप नीचे आते टाइम पत्थर उतना ही टाइम ही लेगा, सेम बराबर ही होता है। ओके, तो ऑप्शन ए रहेगा आंसर उसका, और बी ऑप्शन क्या दिया है देख लेते हैं, टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट आर इक्वल, मतलब आप चाहे ऊपर फेंको या ऊपर से नीचे आए, दोनों जो पत्थर का जो समय लेता है ऊपर जाने के लिए या नीचे आने के लिए, दोनों बराबर ही समय लेता है। ओके, ऑप्शन सी में दिया है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अपवर्ड एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ डाउनवर्ड आर इक्वल, मतलब आप जब शुरू से फेंकते हो पत्थर को, उसका वेलोसिटी जितना रहता है, जब ऊपर पहुंच के नीचे आ जाता है, नीचे पहुंचता है, उसी टाइम वेलोसिटी सेम रहता है। ये बात सही है, तो शुरू से पत्थर फेंकते हो जितना स्पीड रहता है, जब और पत्थर जब नीचे ज़मीन की तरफ आता है, ज़मीन के पास भी उतना ही स्पीड ही रहता है, जाते समय जितना स्पीड रहेगा, आते समय पहुँचते टाइम ऑल्सो उतना स्पीड रहेगा वो, है ना। तो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन इज गेन ड्यू टू ग्रेविटी। वो बोला है आप धरती से ऊपर फेंक तो देते हो, जैसे नीचे आ जाता है पत्थर, वो गुरुत्वाकर्षण के वजह से आता है। तो ये सही क्वेश्चन, ये सही है, हमारा गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको बोलते हैं, उसके वजह से पत्थर ज़मीन पर आता है, तो इसका ऑप्शन ए रहेगा। और ऑप्शन ए का आंसर क्या है, गलत क्यों है, ये बोला है कि पत्थर को ऊपर फेंकते टाइम ज़्यादा समय लेगा, और जब पत्थर ऊपर से नीचे आ जाएगा वो कम समय लगेगा, ये गलत है। पत्थर ऊपर फेंको या ऊपर से नीचे आ जाए, ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आ जाए, दोनों सेम समय ही लेगा, ये वैज्ञानिक कारण है। 59 देखो, द वेट ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर द एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी बिकम, वो बोला है एक वस्तु फल पेड़ से आम का पेड़ से आम जब गिरता है तो बॉडी का वेट कितना रहता है, जीरो, जीरो होगा तब जाके वो गुरुत्वाकर्षण वजह से वो नीचे आ जाएगा, है ना। वो नीचे गिरते टाइम वस्तु बॉडी का वेट कितना होता है, जीरो होता है, बी होगा आंसर उसका। 60 देखो, द वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी में एक वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, जब एक लिफ्ट
नीचे आता है दोस्तों। जब आप 2 मंजिला बिल्डिंग में चढ़ते हो, 3 मंजिला मंजिल पे चढ़ते हो तब नीचे आते हो, तो उस टाइम बॉडी का वेट कितना रहता है आपका? 0 ही रहता है। जैसे कोई फल पेड़ से नीचे गिर गया, उस टाइम उसका फल का वेट कितना? 0 हो जाएगा। और वैसे ही आप लिफ्ट में नीचे डाउन हो रहे हो तो आपका बॉडी का वेट 0 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी होगा 61 का। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज गिवेन बाय, एस्केप वेलोसिटी कितना रहता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ओके, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ते हैं, ये याद रखना 61 आप रखना, या धरती का इसके वेलोसिटी 11.2 होता है। और वर्क पावर एनर्जी दोस्तों पढ़ते हैं, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी कितना होता है? ये कांस्टेंट एट ऑल पार्ट। दोस्तों देखो, एक पत्थर को आप फेंकते हो तो शुरू में वो शुरू से जाता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज शक्ति, गतिशील शक्ति बढ़ता है ना, और स्थितिज शक्ति, स्थिर शक्ति यानी पोटेंशियल एनर्जी कम होता है। तो जब ऊपर वो पहुंचता है फिर उसका पोटेंशियल एनर्जी